हेलो गाइस, वेलकम टू पॉपी ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, वो भी मिट्टी के बर्तन में। आज हम मिट्टी के बर्तन में फिश करी बनाने जा रहे हैं। सरसों के तेल से फिश करी बनाएंगे। मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। टीस्पून तेल हमारा गर्म हो चुका है। पहले मैं डाल रही हूँ राई। डाल रही हूँ मेथी। अब मैं डालती हूँ अदरक। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया था इसको। लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। डालती हूँ हरी मिर्च। ये फ्राई हो जो हो रहा है हमारा अदरक लहसुन जो हमने डाला है इसमें हरी मिर्च। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अभी ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डालने जा रही हूँ टमाटर। टमाटर हमारे मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। डाल रही हूँ मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है अभी। मसाला फ्राई होने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें इमली का रस। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का रस। इमली का जूस जो हमने डाला था वो पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब डालती हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें वाटर। ये वाटर मैंने गर्म किया था, बॉइल्ड वाटर है ये। अब इसमें बॉइल आना है। बॉइल होने के बाद फिर हम इसमें फिश के पीसेस डालेंगे। पानी डाला था मैंने इसमें, अब मैं इसमें फिश के पीसेस डालती हूँ। ये तालाब के फिश है, कांटे बहुत रहते हैं इसमें। एक चम्मच में डालती हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब इसको हिलाना नहीं है, ऐसे ही पकेगा ये।
देखो ऑयल कितना अच्छी तरह से ऊपर आ गया। फिश बन के हमारा रेडी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालती हूँ। करी बन के हमारा रेडी है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।